नमस्ते। आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्कॉलरशिप मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक ही टाइम पे एक ही तरह का डिस्काउंट अगर आपको देना है तो। सबसे पहले उसके लिए हम जाएंगे फीस मैनेजमेंट में। फीस मैनेजमेंट में जाते ही आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे आते ही सबसे लास्ट में आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा स्कॉलरशिप का। उसके अंदर आप यहाँ स्कॉलरशिप में क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन टेम्पलेट बनाने का। बेसिकली मान लीजिए आपको किसी भी रीजन से जब स्कॉलरशिप देनी है और वो स्कॉलरशिप बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ अप्लाई करनी है क्लास वाइज या बैच वाइज, तो आप इस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टेम्पलेट। क्रिएट टेम्पलेट में जाके हम चूज़ करेंगे कि कौन सी बैच या कौन से क्लासरूम के लिए हम ये टेम्पलेट बना रहे हैं। आप यहाँ से बैच चूज़ करोगे, क्लिक ऑन गेट डिटेल्स और फिर आप टेम्पलेट का नाम देंगे। मैं डिस्काउंट दे रही हूँ COVID-19 की वजह से, तो COVID-19 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो मेरा टेम्पलेट का नाम बन गया। किस वजह से डिस्काउंट दे रही हूँ, मैंने रीज़न सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मुझे डिस्काउंट देना है थर्ड इंस्टॉलमेंट में और मुझे डिस्काउंट देना है ट्यूशन फीस में। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 20%, 600 का 120 मुझे स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है थर्ड इंस्टॉलमेंट। एंड मैंने यहाँ से सेव टेम्पलेट कर दिया। ये तो मेरा टेम्पलेट बन गया कि इस तरह से मुझे डिस्काउंट देना है, और ये जो डिस्काउंट मैं दे रही हूँ वो डिस्काउंट मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स को जब अप्लाई करना है उसके लिए मुझे जाना है अप्लाई में। अप्लाई में जाके मुझे पूरा लिस्ट मिलेगा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैं ये डिस्काउंट अप्लाई कर सकती हूँ। तो अगर मैं सभी को सिलेक्ट कर लेती हूँ, या मान लीजिए मैं अभी सिलेक्ट कर रही हूँ इन पांच को सिलेक्ट करके आई क्लिक ऑन अप्लाई स्कॉलरशिप। सो द मोमेंट आई क्लिक ऑन अप्लाई स्कॉलरशिप दैट मीन्स ये स्कॉलरशिप यानी कि ये जो अमाउंट थी डिस्काउंट की वो उनकी पर्टिकुलर फी अकाउंट में जाके यानी कि फी प्रोफाइल में जाके आप चेक करोगे तो उनके पर्टिकुलर अकाउंट में थर्ड इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ऐड हो गई है डिस्काउंट की। ये डिस्काउंट की अमाउंट वहाँ पे ऐड हो जाती है। उसके बाद अगर आप फिर से जाके अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वो पांच स्टूडेंट आपको नहीं दिखेंगे लिस्ट में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। तो बाकी ये स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे जहाँ से आप फिर से स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। और आप चेक करना चाहो तो किसी भी स्टूडेंट को सर्च करके चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ जाके मैंने स्टूडेंट को सर्च करने पर उस स्टूडेंट की फी प्रोफाइल में आ जाते हैं। फी प्रोफाइल के अंदर आपको रीजन के साथ डिस्काउंट ऐड किया हुआ मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर डिस्काउंट डाला हुआ है, जहाँ पे भी जाके आप डिस्काउंट ऐड करते हो दिस इज हाउ द डिस्काउंट विल बी अप्लाइड टू द पर्टिकुलर कैटेगरी। यहाँ पे ऐसे दिखाएगा वो डिस्काउंट। और अगर आपको लगता है कि ये डिस्काउंट सही नहीं है या डिस्काउंट कुछ और देना है, तो इन केस आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप उस डिस्काउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने डिस्काउंट दिया हुआ था 1 रुपी का, पर भी मुझे ये डिस्काउंट 1 रुपी नहीं रखना है, मुझे डिस्काउंट रखना है ज़्यादा। तो मैंने यहाँ जाके ज़्यादा डिस्काउंट रख दिया और सेव कर दिया, तो डिस्काउंट उस तरह से भी चेंज हो सकता है। इंडिविजुअल अकाउंट में आके आप चेंज कर सकते हो, पर जब आप टेम्पलेट अप्लाई करते हो तो वही डिस्काउंट स्टूडेंट के अकाउंट में ऐड हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन चूज टू गिव डिस्काउंट। आप मल्टीपल स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर बैच के जब हो, तब उनको अगर एक ही तरह का डिस्काउंट आप अप्लाई करना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट वाइज या फिर सारे इंस्टॉलमेंट का इकट्ठा, तो आप इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हो और इससे सारा डिस्काउंट आप अप्लाई कर सकते हो, वो उनकी प्रोफाइल में दिख जाएगा। थैंक यू।